हूँ तक आपने देखा है जे किसी ने इंग्लिश सीखनी है या मैं कहाँ कि कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उन्होंने कि स्किल सैट आने चाहिए ने कि चीज़ा आनी चाहिए ने। उस सब तो पहली चीज़ में असी बहुत इंपॉर्टेंस देती है, दैट इज़ लिसनिंग है, फिर उस तो बाद स्पीकिंग है, फिर रीडिंग है, फिर राइटिंग है। दैट मीनस इस ऑर्डर के चीज़ा सीखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके किसी भी लैंग्वेज में सीखा जा सकता है, भावें वह इंग्लिश है, भावें कोई होर लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उनका स्किल सैट जोड़ा वो इस तरीके रहेगा। और उन्होंने किस तरीके सीखना है ये भी चीज़ा आप देखिया सगिया। हूँ जो आप गल करते हैं कि पैडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लैंग्वेज में किमें सीखा जाए तो देखना सानू यही है कि जो चीज़ा असी उत्थे सीख रहे सीगे उन्हां बारे गल कर रहे सीगे उन्होंने सारिया चीज़ों जो पढ़ाया जाए और बच्चे वालों सीखा जाए तो किहड़ा तरीका होना चाहिए उस चीज़ को सिखाउण दा, कि टीचर ने की कुछ करना है, किमें उस चीज़ को सिखाउणा है। सो अज आप उस चीज़ बारे गल करते हैं कि किस तरीके नाल बच्चा नू अंग्रेजी सिखाई जाए, इंग्लिश सिखाई जाए, या मैं ए कह कि कोई भी लैंग्वेज सिखाई जाए तो वह किस तरीके नाल सिखाई जाए। सो इहदे विच किहड़े किहड़े मैथड आ जाते हैं। सब तो पहला आ जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, फिर डायरैक्ट मैथड, बायलिंगुअल मैथड, ऑडियोलिंगुअल मैथड, आर्मी मैथड, डॉक्टर बेस्ट मैथड, साइलेंट वे मैथड, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। सो इहदे विच आपां नूं थोड़ा जिहा होर समझना पएगा, और समझना की पएगा, ये थोड़े हैगे ने ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड ते डायरैक्ट मैथड। ये चीज़ां की हैगियां ने, यह मैथड हैगे ने, दीज आर मैथड्स। और इन्हां नूं असीं की कह सकते हैं, इन्हां नूं असीं की कह सकते हैं, इन्हां नूं अप्रोच कह सकते हैं, इन्हां नूं की कह सकते हैं, अप्रोच कह सकते हैं, इन्हां नूं मैथड कह सकते हैं असीं। यह ना दोनों चीज़ों पहला फर्क समझ लीए। मैथड का मतलब की है, इस दे विच जे उदों पढ़ाया जाएगा तो किवें पढ़ाया जाएगा, दैट मीनस कि एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन होगी, डिटेल एक बनाई जाएगी कि किवें पढ़ाया जाएगा, उहदा प्रोसीजर जिहड़ा सीगा ओह प्रोसीजर की होएगा पढ़ाउण दा, या आपां कहीए कि यह किवें पढ़ाया जाएगा है। और जदों आपां गल करिए अप्रोच दी तो अप्रोच आएगा कि इहदे विच की पढ़ाया जाएगा। सो पता होना चाहिए कि जदों पढ़ाया जाएगा तो इहदे विच पढ़ाया जाएगा तो की पढ़ाया जाएगा। इहनूं आपां एक एग्जाम्पल दे तौर पर कर लईए। तुसीं फुटबॉल खेलनी सीखनी है, ठीक है जी, फुटबॉल खेलनी सीखनी है तो टीचर तुहानूं दसेगा कि फुटबॉल नूं किवें खेलना, एक तां इह तरीका हो गया। और फुटबॉल दे विच ओह किवें ओह फुटबॉल सिखाएगा, और फुटबॉल दे च खेडण वास्ते तुहानूं की सिखाएगा ओह। नाउ दोनों चीज़ां फर्क है कि किवें सिखाएगा ते की सिखाएगा। सो दैट मीनस जे तुहानूं इह गल समझ आ गई तां तुहानूं पता लग जाएगा मैथड ते अप्रोच दे विच की फर्क हुंदा। हुण जदों आपां एक एक मैथड नूं जां अप्रोच नूं डिसकस करांगे तां तुहानूं इह चीज़ समझ भी आ जाएगी कि दोनों चीज़ों फर्क की है। आप इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, आम तौर पर अपनी जिंदगी दे विच भी ले सकते हैं कि मैं रोटी बनानी सीखनी है तो रोटी बनानी सीखने दे विच एक तो है कि रोटी किवें बनानी है, ठीक है जी, किवें सिखानी है कि बच्चे नूं सिखाना है कि रोटी किवें बनाई दी है, एक तो आ गल हो गई। और रोटी बच्चे नूं दे बनाउण दे वास्ते असीं की सिखाईए उहनूं, उहदे विच कीड़ी कीड़ी चीज़ खानी चाहीदी है। सो दैट इज़ अप्रोच हो गई साड़ी ओह। और पहला जिहड़ा सीगा उहनूं कि किवें रोटी बनाई दी है ओह साडा की हो गया, उहदा मैथड हो गया ओह। चलो आपां कुछ एग्जाम करदे हां, हाले मैथड नूं करदे हां, डिसकस करदे हां, तुहानूं इह चीज़ समझ आनी शुरू हो जाएगी। सो पहला है साडा ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। इस तरीके नूं सब तो पुराना तरीका कहा जाता है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड दे विच आम तौर पर असीं मात भाषा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये साड़ी जिहड़ी मदर टंग है इहदा असीं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है जी, मदर टंग नूं असीं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो मदर टंग नूं दा यूजेज ज़्यादा किहदे विच हो जाता है, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड दे विच हो जाता है। नाउ इहदे विच की समझाया जाता है, समझाया जाता है कि जदों असीं किसी चीज़ नूं उहदी अपनी जुबान दे विच सिखाते हैं तो उस चीज़ नूं उह जल्दी समझ आ जाती है। सो इस करके जिहड़ा सीगा ਇਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ,
ना ये मदर टंग का यूज होंगे थोड़ा दस्या मैं इतने और पहले तो बच्चे रूल पढ़ाते और रूल तो बाद जो फिर उसनों यह समझा दिता एग्जाम्पल फिर उस तो बाद असं एग्जाम्पल देती हैं और फिर उन्होंने कहा जाता है कि इन चीज़ों याद रखी तो दैट मीनस ये सब तो ज़्यादा की होंगी है ये थ्योरी बहुत ज़्यादा होंगी है एंड बच्चे इस चीज़ का जो इंग्लिश सिखाने का एक तरीका जरूर हैगा पर बच्चे यह समझ नहीं सी आता कि यह इंग्लिश समझ के की करेगा क्योंकि उसनों हाले तक इंग्लिश के यूजेज का नहीं पता। देखो एक तो है कि इंग्लिश का यूज और दूजा है यूजेज। यूजेज कितने करते हैं असी यूजेज बोलन करते हैं असी यूजेज लिखन करते हैं असी पढ़न करते हैं ना ये की हो रहा है असी सिर्फ उन्होंने दस असी उस दस रहे रूल की होंगे ने नाउन का रूल की है कि नेम ऑफ ए परसन प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड ए नाउन फिर उस तो बाद एग्जाम्पल दे दी चल भी उन तो रट्टा मार ला चंगे तरीके। सो इस चीज़ को कहा जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड कहा जाता है और किसी भी फॉरन लैंगुएज को पढ़ाने का पुराना तरीका जो सीगा यही मनिया जाता है ठीक है जी। सो ये मैरिट की है कि ये अपनी जबान यूज़ करते हैं बच्चे चीज़ कितने ना कितने समझ आ जाती है वह जो असं कहते हैं कि राम इज़ द बॉय राम एक लड़का है जो असी अंग्रेजी तो पंजाबी ट्रांसलेशन करके दसाते हैं उन्होंने समझ आ जाती है कि जो कहा कि राम इज़ ए बॉय तो यदा मतलब की है कि राम एक लड़का है ठीक है जी। ये ट्रांसलेशन करती राम है लड़का राम इज ए बॉय एक तो वो इस चीज़ को अपने आप क्योंकि अपनी जबान की कहता वो राम एक लड़का है तो इस चीज़ को वो ट्रांसलेट करके सेंटेंस नू समझ लेंदा है कि इसका मतलब राम इज ए बॉय का मतलब की है राम एक लड़का है। सो एक तरह का असं कह सकते एक आसान तरीका है और जदों उसकी असैसमेंट करनी है उसकी चैकिंग करनी है वह भी असी लोकल लैंग्वेज उसकी चैकिंग कर सकते हैं वह और टीचर वास्ते भी बड़ा सौखा पढ़ाना है और बच्चे जो सके रट्टे नाल वोकैबुलरी भी बढ़ जाती है वो शब्द भी याद हो जाते हैं। ये मुश्किल की है थ्योरी तो सीख लेंदा बच्चा पर लैंगुएज नहीं सीखता ये तुम्हें आप ही देखा होना अपन एग्जाम्पल लैके देख लो जिन्हें ने असी मैं 90% 95% बच्चों यही कहना कि सारे के सारे वो MBT गाइडा पढ़ के पास होए ने क्यों क्योंकि असी ना तो इंग्लिश कदे बोली है ना असी कदे चंगी तरह पढ़ी है उसको ना असी कदे सुने कदे इंग्लिश खबर सुनिया ने नहीं सुनिया असी वह असं तो हिंदी या पंजाबी खबर सुन लेंगे वह क्यों क्योंकि साड़ी जुबान नहीं कितने हैगी है। शुरू कितों होंगी है यही शुरू होंगी रीडिंग तो शुरू होंगी है जदों के पहला लैसन असी जो लिसनिंग किया कि बच्चा सीखना शुरू कितों करता है वो लिसनिंग तो शुरू करता है इतने कितों शुरू कर रहे हैं असी रीडिंग तो कर रहे हैं दैट मीनस असी एक जो मुढ़ला स्टैप सेगा उ खा गए इतने वो फिर बुकिश वे हैगा किताबी कीड़े वाली गल हो गई है टॉट विद रूल्स नॉट यूजेज नो वेटेज टू प्रोनंसीएशन ये प्रोनंसीएशन के उत्ते कोई वेटेज नहीं हैगी क्यों क्योंकि असी सिर्फ पढ़ के और उस चीज़ में यू जरा ट्रांसलेट करके सीख रहे हैं असी बोलन नहीं लैके आ रहे। सो इस तरह ये मैरिट से डीमेरिट्स दोनों चीज़ा थोड़े सामने आ जाए। सो एक क्वेश्चन कर दें आप इतने लिटल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनंसीएशन इन द डैश मैथड ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड दैन कम्युनिकेटिव लैंगुएज टीचिंग दैन स्ट्रक्चर लैंगुएज टीचिंग ऑडियो लिंगुअल मैथड। सो यदा जवाब की होएगा आप हमने किया है यदा जवाब साढ़े को होएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड क्योंकि आपने हमने यही चीज़ देखी है कि प्रोनंसीएशन ये कोई वेटेज नहीं दिती जाती। हाँ जी सैकेंड मैथड आपने पहला मैथड किया ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड किया दूजा है ता डायरैक्ट टीचिंग मैथड। डायरैक्ट टीचिंग मैथड जो सा है ना इट्स ए काइंड ऑफ यू कैन से रिएक्शन टू द रिएक्शन टू द दिस ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड वो यह रिएक्शन है ना ये बेसिकली की किया जाता है ये ना वो अपन समझने वाली गल हैगी है कि एक तरीके नैचुरली असी किसी लैंगुएज को अडोप्ट करने की कोशिश करते हैं नैचुरल मैथड है इसमें मदर मिल्क मैथड भी कहा जाता है कि सारा काम उस लैंगुएज करना जी लैंगुएज थोड़ी टारगेट लैंगुएज हैगी। सो दो अक्षर इतने सीख लो एक तो टारगेट लैंगुएज और दूजा है थोड़ा सेकेंड लैंगुएज। टारगेट लैंगुएज कैड़ी है जिस जी लैंगुएज तुम सीखना चाहते हो वो थोड़ी टारगेट लैंगुएज है। इंडिया के सैकेंड लैंगुएज कैड़ी है
वो इंग्लिश साड़ी की है ये सैकेंड लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि साढ़े को फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया या उसके विच की है कि अपने नैशनल करिकुलर फोरम के विच कि इंग्लिश साड़ी एक तरह की है सैकेंड लैंग्वेज हैगी है जिन्हों के सीखने वास्ते असी अपने करिकुलम दे विच पाया होया है। सो डायरेक्ट मैथड की है नैचुरल मैथड या मदर मिल्क मैथड भी कहता ये करना की है कि असी किसी होर लैंग्वेज का यूज ही नहीं करना। बच्चे जो इंग्लिश सिखानी है तो सारा काम उन्होंने इंग्लिश सिखाना है, ठीक है। हर एक चीज़ इंग्लिश हो जाए वो गल भी करनी है तो भी इंग्लिश करनी है, उन्होंने सुनना है तो भी इंग्लिश, उन्होंने कहना कि तू बोलना है तो भी इंग्लिश बोलना है, उन्होंने पढ़ाना है तो भी इंग्लिश पढ़ाना है, उन्होंने लिखने वास्ते कहना है तो भी इंग्लिश उन्हें होना चाहिए। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल लैंग्वेजेज, जिहड़ी भी लैंग्वेज सिखानी हो। जे हिंदी की क्लास है तो वो हिंदी के सब कुछ होना चाहिए, जे पंजाबी की क्लास है तो सब कुछ पंजाबी होना चाहिए। इस मैथड में असं की कहने इन असी डायरैक्ट मैथड टीचिंग कह दें। ट्रांसलेशन नो अवॉइड करते हैं, ये की चीज़ को अवॉइड करते हैं असं इनू ट्रांसलेशन असं की कहने असी अवॉइड करते हैं। इस लैंग्वेज में असी डायरैक्टली इनवॉल्व विद द यूज ऑफ इंग्लिश, लर्न टू स्पीक बाय स्पीकिंग, रीड बाय रीडिंग। इनू लैंग्वेज सेंस जी सी वो जी चीज़ सी अपनी मदर टंग के लैंग्वेज सेंस जी सी बच्चे फिर हौली हौली जी वो आनी शुरू हो जाती है जिमें वो अपनी मात भाषा। सो बेसिकली टारगेट लैंग्वेज और एक मदर टंग, मदर टंग की रही है थोड़ी ये वो मात भाषा थोड़ी वह जिस इलाके दे विच तुसी रहिंदे हो या जिहड़ी जबान असीं तुहाडे घरां च बोली जाती है उन्होंने असीं मदर टंग कह दिंदे हां। सो लैंगुएज सेंस जिहड़ी सी हौली हौली डिवेलप होनी शुरू हो जाती है, मदर टंग नूं असीं अवॉइड करदे हां। और ग्रामर इज स्टार्ट बाय एग्जाम्पल्स एंड फॉलोड बाय रूल्स। असीं देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड विच पहलां की सीगा, पहलां उत्थे रूल सीगे और फिर उस तों बाद एग्जाम्पल सीगे। इत्थे ये चीज़ नहीं होनी, इहदे विच पहलां की होएगा एग्जाम्पल होएगी और रूल उस तो बाद समझाए जाएंगे। सो इस तरीके नाल दोनों च फर्क आ जाता है। इट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव मैथड ऑफ टीचिंग ग्रामर ऑलसो, ठीक है। इनू असं की कह दें इनू इंडक्टिव मैथड ऑफ टीचिंग ग्रामर भी कह दें। तो देखा से आप पहला भी किया एक डिडक्टिव मैथड से एक इंडक्टिव मैथड से। डिडक्टिव मैथड के है पहला रूल पढ़ाए जाते हैं बाद चो असी एग्जाम्पल ला दें। इंडक्टिव मैथड के पहला असी एग्जाम्पल दे के फिर उस बाद असं दसते हैं कि यह रूल है। आपने फिर उद्दे कॉन्टैक्चुअल मैथड भी किया। कॉन्टैक्चुअल मैथड के है कि पैराग्राफ पूरा पढ़ के बच्चे जरा सर वो चीज़ समझ आनी शुरू हो जाती है, पैराग्राफ पढ़ के कि चीज़ के मतलब हो सकता है और उस तो बाद जरा असं रूल समझाने शुरू करते हैं तो वो चीज़ होर चंगे तरीके बच्चे समझ आ जाती है। ए दिस इज़ नोन एज द डायरैक्ट मैथड ऑफ टीचिंग। और इतने थोनों एक फंक्शनल ग्रामर तो फॉर्मल ग्रामर, फॉर्मल ग्रामर की है वो तुम रूल बच्चे पढ़ाते तो उन्होंने असं की कह दें उन्होंने फॉर्मल ग्रामर कह दें। फंक्शनल ग्रामर की है कि असी जरा पहला एग्जाम्पल दे के फिर उस तो बाद असी रूल समझाने शुरू किए सो उन्होंने असं की कह दें उन्होंने फंक्शनल ग्रामर कह दें। ये ओरल वर्क के उत्ते ज़्यादा स्ट्रैस हो जाता थोड़ा हाँ। और ऑडियो विजुअल जोड़िया एड्स है वह बहुत यूज़ कीतिया जाए ने। टीचिंग में जरा यह इंट्रस्टिंग भी बना दिता है मैथड। यह लर्निंग बिगिनस विद स्पीच। पहला असी ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड की देखा सीगा बच्चा रीडिंग तो कर शुरू होंदा हो, ये बच्चा स्पीड तो स्पीच तो शुरू होंदा हो। सो पीपल कैन रीड एंड राइट बैटर लेटर, ताकि वह पहला वह जो सीगा बोलना सीखे और फिर उस तो बाद जो पढ़ना तो लिखना आ जाए। ये स्पीच के उत्ते ज़्यादा प्रैक्टिस दी जाती है, जो मैं थोड़ा दसा कि ओरल वर्क ज़्यादा होंगे ये वह करैक्शन ऑफ मिसटेक जगह बाद बच्चे हौली हौली वह समझाइया जाए ने, समय के ज़्यादा सिलेबस कवर किया जा सकता है। डिसएडवानटेज भी है ये रीडिंग राइटिंग जी निगलैक्ट हो जाती है क्योंकि ये बोलने के उत्ते ज़्यादा और एवरेज स्टूडेंट जरा परहैप्स उन्होंने मुश्किल आ जाती है क्योंकि वह ये जल्दी जल्दी जी हर एक चीज़ की जाती है तो इस करके जरा कई जो एवरेज बच्चे है उन्होंने ये मुश्किल आ जाती है। फिर होर की मुश्किल आती है ये ऑडियो विजुअल मैथड महंगे होंगे ने तो इस करके जो आम तौर पर स्कूलों के नहीं होंगे और छोटी क्लासा के वास्ते यूज हो सकता है जिते क्लासा व्डिया हो जाए जिमें कि साढ़े व्डिया व्डिया क्लासा होंगे ने उत्थे भी इस दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि ये कहा कि है कि बच्चे बोलना है लिखना है और उत्थे करैक्शन करनिया ने अपने उत्थे समझाना उन्होंने। सो जो इस तरीके पढ़ावे और बच्चों तो एक टीचर बहुत ज़्यादा बच्चों के उत्ते एक एट ए टाइम ध्यान नहीं दे पाएगा, इस करके छोटी क्लासा चाहिए ने, यह भी साढ़े सिस्टम के मुश्किल आ जाती है।
हाँ जी, सो एक एमसीक्यू भी कर लेने आप आए थे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज टू इंक्रीज द पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, टू इंक्रीज कम्युनिकेटिव पावर, टू डेवलप ए कमांड ओवर टारगेट लैंग्वेज, टू डेवलप पर्सनैलिटी। नाउ जो जिन्ना कुछ आपने किया है, पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, पावर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन के उन चीज़ समझ आनी शुरू हो जाए, टू इनक्रीज कम्युनिकेटिव उनकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी बढ़ जाए, टू डिवेलप ए कमांड ओवर द टारगेट लैंगुएज, टू डिवेलप परसनैलिटी। ठीक है, आप गल लैंगुएज की कर रहे हैं, परसनैलिटी वाले इशू तो छड ही दो इतने, आप गल लैंगुएज की कर रहे हैं, लैंगुएज के कॉम्प्रिहेंशन तो आ गई, पर सब तो पहला की है, असी कॉम्प्रिहेंशन तो पहला बच्चे लिसनिंग होर जो चीज़ा है उन्होंने चीज़ों के उत्ते असं जोर दे रहे हैं कि उन्होंने टारगेट लैंगुएज बारे समझ आना शुरू होया कि नहीं होया। सो क्यों देखो, और ये वाला ये तो जो लैंगुएज सीख लेगा तो कम्युनिकेशन की पावर इनक्रीज होएगी वो, हाले तो असं की कर रहे हैं, हाले बच्चे सिखा रहे हैं कि सिखा रहे हैं, टू डिवेलप ए कमांड ओवर द टारगेट लैंगुएज। ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मैथड की है, ये टू डिवेलप ए कमांड ओवर द टारगेट लैंगुएज। ऑडियो लिंगुअल मैथड, इस मैथड को आर्मी मैथड भी कहा जाता है। आर्मी मैथड क्यों कहा जाता है, चार्ल्स फ्राइज ने बनाया सीगा कि जदों वर्ल्ड वॉर लगी सी, दूजे देशों के जाके जोड़े फौजी सके उन्होंने दूजे देश की जबान भी तो आनी चाहिए है, उत्थे जाके गल भी करनी पै सकती है लोगों लोगों के नाल, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने समझ आना चाहिए, कुछ बोलना आना चाहिए। सो इस तरीके नाल ये जोड़ा मैथड सेगा, इस मैथड को अडोप्ट किया गया, ऑडियो लिंगुअल मैथड, सुनना तो बोलना उस चीज़ के उत्ते जोड़ा एम्फेसिस ऑडियो ओवर रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है जी, रीडिंग तो राइटिंग जोर नहीं है, सुनना तो बोलना वो उत्ते ज़्यादा जोड़ा एम्फेसाइज किया गया, क्यों, क्योंकि जो फौज ने कहीं दूजे पास देश जाना है तो उत्थे जाके जोड़ा उन्हें तो गल करनी है, उन्हें कहना चिट्ठिया लिखनिया उन्होंने। सो दैट वॉज इंपॉर्टेंट मैथड, जो कि यह अभी इन आर्मी मैथड भी कहा जाता है। नाउ इट फॉलोज स्किनर्स बिहेवियरिज्म प्रिंसीपल, प्रिंसीपल ऑफ बिहेवियर का जोड़ा जी स्किनर की थ्योरी हैगी उससे बेस है, और किने बनाया सीगा, ये चार्ल्स फ्राइज ने बनाया सीगा। सो इत्थे क्वेश्चन आ जाता कि किने डिवेलप किया सीगा, और यह किहड़े प्रिंसीपल दे उत्ते बेस्ड हैगा, ये लॉ प्रिंसीपल ऑफ बिहेवियरिज्म दे उत्ते बेस्ड हैगा, प्रिंसीपल ऑफ बिहेवियरिज्म किसने डिवेलप किया सीगा, स्किनर ने डिवेलप किया सीगा। ठीक है जी, सो लैंगुएज इज टॉट थ्रू कंडीशनिंग स्टिमुलाई रिस्पॉन्स टू फॉर्म ए न्यू हैबिट ऑफ सैकेंड लैंगुएज, मोर फोकस ऑन द स्पोकन लैंग्वेज इन द ओरल कम्युनिकेशन। सो इस चीज़ के उत्ते ज़्यादा असं एम्फेसाइज करना है कि केड़ा मैथड ऑफ टीचिंग है, केड़ा मैथड ऑफ टीचिंग है जोड़ा कि स्पोकन और ओरल के उत्ते ज़्यादा एम्फेस स्ट्रैस देता है, वो कि मैथड है, आर्मी मैथड है या ऑडियो लिंगुअल मैथड है वह थोड़ा। ठीक है, इन आर्मी मैथड या न्यू की मैथड भी कहा जाता है, कंसिस्ट ऑफ टीचिंग ए न्यू लैंग्वेज थ्रू रीडिंग ए डायलॉग और टैक्सट एंड कैरिंग आउट ड्रिल्स एसोसिएटेड विद इट। ठीक है जी, ड्रिल का मतलब की होया, रैपीटेशन। ठीक है, ड्रिल का की मतलब है, रैपीटेशन। सो ये रैपीटेशन के उत्ते काफ़ी ज़्यादा जोर दिता जाता है, और मकैनिकल एक्सरसाइज है। हुण फौजियां तो तुसीं जानते हो सारे कि उन्होंने तो ड्रिल करा दो, दे आर वेरी हैप्पी विद दैट, बार बार कोई चीज़ को कराते रहो तो उस चीज़ में जो सीगा सीख जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फौजियों उसे उही तरीका जो सीगा समझ आता है या उन्होंने उस तरीके समझाया जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वन डायरैक्शनल सोचना है कि बस मैनू हुक्म होना है तो मैं गोली चला देनी है, मैं इस तरह का कोई किसी ने कुछ कहना है तो मैं इस तरह का जवाब देना हो। सो इस करके जो सीगा यह फौजियों वास्ते बहुत बेहतर बैटर मैथड समझा गया सीगा, और थोड़े समय के ही जोड़े कैंडिडेट से उस चीज़ को समझ आते थे। सो दिस इज नोन एज आर्मी मैथड या ऑडियो लिंगुअल अप्रोच इसको कहा जाता हो। स्टूडेंट्स लर्न पैटर्न ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंसेज दैट द टीचर प्रोवाइड्स, दे मेमोराइज सेट फ्रेजेज एंड रिसीव पॉजिटिव री इनफोर्समेंट फ्रॉम देयर टीचर वैन दे परफॉर्म ड्रिल करैक्टली। ठीक है जी, सो आपने हमने किया कि किसी चीज़ को रिपीट करके मॉडल सेंटेंसेज न, और फिर उन्होंने मेमोराइज करके। ठीक है जी, जो किसी को मिलना है तो कहना हैलो गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून सर, हाउ डू यू डू। ठीक है, सो इन चीज़ों की कराया जा रहा है और रिपीट कराया जा रहा है बार बार। ठीक है जी, ठीक है, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, जो किसी को पानी मंगना है, कैन यू हैंड मी ओवर ए ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई हैव ए चपाती प्लीज। सो इस तरह फ्रेजिज़ नू, वर्ड्स नू, सेंटेंसिज़ नू रट्टा लवा लवा के उन्होंने चीज़ों याद करा दिता जाता है। तो इसको अं कह दें, इस चीज़ को असं कहते हैं ऑडियो लिंगुअल अप्रोच कह देंगे, कम्युनिकेटिव अप्रोच नहीं है ये। ठीक है जी, फिजिकल अप्रोच भी नहीं है ये, सिचुएशनल अप्रोच भी नहीं है ये, सो इट इज़ ऑडियो लिंगुअल अप्रोच है।
हाँ जी, सो मटेरियल इज प्रेजेंट, जो मैं थोड़ा कि डायलॉग फॉर्म दे बच्चे उन्होंने फौजी डायलॉग फॉर्म याद कराते जाते हैं, थानू ये पूछा है तो ये जवाब देना, ये कहता है आ जवाब देना, किसी ने गल करनी है तो उसमें इस तरीके ना उन्होंने पूछना है। सो ये डायलॉग फॉर्म दे, फिर उस तो बाद के रट्टा मार के जैसे मेमोराइज करा दो उन्होंने। सो दैट इज़ द इस तरीके ना असी ऑडियो लिंगल मैथड नी कह सकते हैं कि इनू ये एवें पढ़ाया जाता है। सो आप गल की कर रहे हैं कि किवें पढ़ाया जाता है, किवें लैंग्वेज सिखाई जाती है, लैंग्वेज सिखाने वास्ते कि मैथड किवें जरा उन्होंने पढ़ाया जाता है। तुम हूँ तक देखा होना असं यही कर रहे हैं कि किवें पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट मैथड किवें पढ़ाया जाता है, ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मैथड किवें पढ़ाया जाता है, आर्मी मैथड किवें पढ़ाया जाता है, नैक्सट मैथड जो असं करा। सो दैट इज़ नोन एज हाँ जी डॉक्टर वेस्ट न्यू मैथड। डॉक्टर वेस्ट जे माइकल वेस्ट से बंगाल के तो इन्होंने इंडिया के बंगाल के इन्होंने एक तरीका कढ़िया कि देखो असी बेसिकली सानू की चाहिए ने, एक तरह के कलर्क चाहिए ने, तो सानू सानू ये मतलब नहीं है कि उन्होंने बोलनी आती है लैंग्वेज कि नहीं आती, क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों तो यह चाहिए सी कि उन्होंने ऑफिस के बच्चे जिन्हें भी बंदे आन जो कि कलर्कों का काम करन उन्होंने वह पढ़ना आना चाहिए तो कुछ लिखना आना चाहिए, बोलने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि उन्होंने कहना कि अफसर के नाल कोई बहुता कम्युनिकेट करना, उन्होंने तो आम जी जिंदगी हैगी तो आम लोगों के बीच ही है। सो ये ज़्यादा एम्फेसाइज किसते दिता गया, रीडिंग के उत्ते दिता गया कि जे उन्होंने रीडिंग के उत्ते ज़्यादा काम आ जाए और ऑफिस वर्क उन्होंने जोड़ा सगा उन्होंने वास्ते करना आसान हो जाएगा। सो क्योंकि रीडिंग इज़ ईजियर टू लर्न दैन स्पीकिंग, जोड़ा पढ़ना है ना ये बोलन नालों ज़्यादा सौखा है। दोबारा सुनो इस गल, क्योंकि पढ़ना यह बोलन नालों ज़्यादा सौखा है, इस करके रीडिंग के उत्ते जोर दे दौ, उस तो बाद जैसे उसमें ऑटोमैटिकली जैसेगा। सो दिस इज नोन एज द डॉक्टर वेस्ट न्यू मैथड। नैक्सट इज़ बाईलिंगुअल मैथड। बाईलिंगुअल मैथड का मतलब की होया साढ़े को कि दोनों लैंगुएजेज यूज करते हैं असं, दैट मीनस कि मदर टंग भी यूज करते हैं असं यह और जोड़े सी अंग्रेजी भी यूज़ करते हैं। यह मैथड वॉज डिवेलप बाय सी जे डॉटसन। सी जे डॉटसन से ही रिकमेंड रिस्ट्रिक्टिड यूज ऑफ मदर टंग बाय द टीचर बट नॉट बाय द प्यूपल्स, कि बच्चे जोड़े है वो तो मदर टंग वरतते रहन पर टीचर जो है मदर टंग घट्टो घट वरतेगा, पर दोनों मैथड जोड़े से असी ये यूज़ कर सकते हैं, दोनों मैथड यूज़ करके बच्चों अंग्रेजी सिखाई जा सकती है। हेल्प्ड फॉर्मेशन ऑफ करैक्ट लैंग्वेज यूजेज अमंग द लर्नर्स, अमंग द लर्नर्स जिन्होंने इंग्लिश सीखनी है उन्होंने करैक्ट लैंग्वेज कितने ना कि इस तरीके नाल जल्दी समझ आ जाएगी जे असी दोनों तरीके दोनों लैंग्वेजेज यूज करांगे। आम तौर पर 90 की मैं कहना 100% ही, मैं भी बोल रहा थोड़े ना पंजाबी की गल कर रहा पढ़ा के रहा थानू, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा ना है ना। सो दैट्स ए बाईलिंगुअल मैथड, ये तरीका कड़ा हो गया बाईलिंगुअल मैथड हो गया। भावें यह डॉक्टर इस तरीके दे विच असी कह रहे हैं कहा तो यह गया कि टीचर ने अप जी मदर टंग घट्टो घट वरतनी है, मैं थोड़े नाल इस वेले पंजाबी यूज़ कर रहा और पर इत्थे कहा गया इन्होंने इन दैट पर इस तरीके दे विच बेसिकली मैं थोड़े नाल इंग्लिश बोलनी चाहिए है और तुसी भावें मेरे नाल पंजाबी गल कर लो, ठीक है, दैट इज़ ए बाईलिंगुअल मैथड हो जाएगा। वो और हुंदा की है यह ना एक तरह का ट्रांसलेशन मैथड बन जाता है, बच्चा पहला ना जो भी कोई पढ़ता है ना दिमाग दे उन्हों ट्रांसलेट करता है और ट्रांसलेट करके बाद उस गल नू समझदा है। सो दैट इस करके जो सीगा यह मैथड कोई बहुता वधिया मैथड नहीं समझा जाता, छोटिया क्लासों वास्ते चल जाता पर वड्डिया क्लासों वास्ते यूज़ नहीं होएगा ना। मैं हुण तक थोड़े जिन्नी गल्लां कीतियां ने इन्हां नू मैं फिर उही सिमली च लैके जावां या एग्जाम्पल लैके जावां कि तुसीं सीखनी है फुटबॉल, ठीक है जी, कि फुटबॉल किवें खेडी जाती है और थोनों हुण इशू ये है कि थोनों यह किवें खेडी जाती है फुटबॉल, थोनों किवें सिखाई जाएगी। हुण मैं टीचर हाँ तो मैं थोनों किवें सिखाऊंगा, मैं थोनों जो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है वो थोनों मतलब कि बोर्ड के उत्ते समझाऊंगा कि आह रूल होंगे ने फुटबॉल के और इस चीज़ इस तरीके खेडा जाता है। सो दैट इज़ वन मैथड ऑफ जो किवें फुटबॉल सिखाऊंगा थोनों मैं। डायरैक्ट मैथड जो वो भी तकरीबन उस तरीके का हो गया है, डायरैक्ट मैथड भी डायरैक्ट मैथड आप करा उत्थे वो मैं थानू सिर्फ जरा ना फुटबॉल बारे गल करा, मैं किसी होर लैंग्वेज बारे गल नहीं करूँगा, सिर्फ फुटबॉल बारे गल करा और कि उस फुटबॉल में किमें खेडा जाता है,
पर मैं थोड़े ना होर किसी चीज़ बारे गल नहीं करूँगा। जिवें हुण आप बाइलिंगुअल की गल करते हैं, इतने हम बाइलिंगुअल एग्जाम्पल लेंगे जी, हम कि थानू हॉकी खेलनी तो आती पर फुटबॉल नहीं आती, तो मैं थानू दसूँगा कि देखो जिवें हॉकी दे गोल करी दे ना, फुटबॉल चु आप एवं गोल करने। मैं थोड़े ना की यूज़ कर रहा बाइलिंगुअल मैथड कि गोल किवें करना है, कि जिवें तुसीं हॉकी गोल करते हो उवें तुसीं फुटबॉल गोल करना है, उत्थे जब तुसीं बॉल नूं अपने नाल लैके जाना है तो जाके गोल दे विच उस बॉल नूं मार देना। ओह सो मैं इत्थे कड़ा मैथड यूज़ किया बाइलिंगुअल मैथड, कि मैं थोड़ी किसी होर लैंगुएज के यूजेज नूं या किसी होर खेड के यूजेज नूं जिहड़ी चीज़ मैं सिखाउणी है उहदे विच वरत रहा हूँ। ठीक है, इस गल नूं ध्यान नाल समझो, थानू पंजाबी आउंदी है तां पंजाबी थानू बस अंग्रेजी सिखाउणी है, तां मैं थानू दस रहा हाँ कि जदों आपां ने इह वाला सेंटेंस बोलना है तो आपां मतलब कि इस तरीके की गल करनी चाहिए। मैं पंजाबी थानू समझा रहा उस गल नूं, जे आपां पंजाबी च गल करांगे तो उन्हों इस तरीके नाल बोलांगे, जदों इंग्लिश बोलांगे तो इस तरीके नाल गल करांगे, तो दोनों लैंग्वेजेस यूज मैं पंजाबी नूं बेस बना के थानू अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहा। उत्थे मैं की कर रहा सीगा कि हॉकी नूं बेस बना के थानू मैं फुटबॉल सिखाने की कोशिश कर रहा। ठीक है, किवें आपां खेडांगे, किवें आपां सिखांगे। ठीक है, सो दैट इज़ दोबारा इस गल दे उत्ते मैं ध्यान दियो कि किवें किसी लैंग्वेज नूं सिखाया जाएगा। ये सारे तरीके जो सी किवें वाले है कि किवें लैंगुएज नूं सिखाया जाएगा। सो दीज आर नोन एज मैथड्स। ना इन्हां दे विच बथेरे वंस अगेन क्वेश्चन बथेरे बन सकते हैं कि यह लैंगुएज मैथड जिहड़ा सीगा बाइलिंगुअल मैथड किने बनाया, इहदे विच किस चीज़ के उत्ते जोर दिता जाता है। ठीक है जी, सो द टीचर टीचेज अ लैंगुएज बाय गिविंग मदर टंग इक्विवेलेंट ऑफ द टू वर्ड्स ऑर सेंटेंस। दोबारा उही गल कर रहा है कि अपनी जुबान दे विच उस नूं ट्रांसलेट करके जो सीगा उस चीज़ को समझा दिता जाता है। सो दोनों मैथड इस तरीके दोनों लैंगुएज दे विच बच्चों को यह चीज़ सिखाई जाती है। टोटल फिजिकल रिस्पोंस, टोटल फिजिकल रिस्पोंस दे विच की हुंदा, इशारियां दा ना लैंगुएज दे नाल नाल इशारे करके जो सीगा रेज योर हैंड नाल हाथ चक के जो सीगा वो तो बच्चे नूं जो सीगा वो समझ आ गया कि इशारे दे नाल जो सीगा वह चीज़ नाल दी नाल असीं समझा दित्ती। वह इंस्ट्रक्शन जिहड़ियां सीगा नाल दी नाल जो सीगा दित्तियां जिहड़ियां सीगियां वह टारगेट लैंगुएज दे दित्तियां जा रही, कि लैंगुएज दित्तियां जा रही, वह टारगेट लैंगुएज दे विच इंस्ट्रक्शन दित्तियां जा रही ने। वह ठीक है, और बच्चे उस तरीके नाल फिर वो रिस्पोंड करते हैं। इस तरीके नाल भी बच्चों नवी लैंगुएज या इंग्लिश सिखाई जा सकती। हुण आपां गल आ गई अप्रोच दी, मैं थोड़े नाल पहला गल की सी, पहला आपां गल की है मैथड की, मैथड जो सीगा किवें असी सिखावांगे बच्चों किवें पढ़ावांगे। ठीक है जी, अप्रोच दे विच आ गया कि असी की सिखावांगे, की सिखावांगे, पहला फुटबॉल सिखाउण वास्ते किवें सिखावांगे। ठीक है जी, आपां बॉल खरीदांगे, ग्राउंड विच जावांगे, टीमां बनावांगे। ठीक है जी, उस तो बाद आपस बॉल नूं जो सीगा अपने दूजे एक टीम ने दूजे दी टीम दे गोल दे विच आपां बॉल नूं मारना, इस तरीके नाल जो सीगा असीं फुटबॉल नूं सीखण की कोशिश करांगे। ठीक है जी, सो यह तो हो गया साडा वो मैथड वाला तरीका है। अप्रोच की होएगी, फुटबॉल किवें खेडी दी है। ठीक है जी, किवें खेडी दी है। ठीक है जी, किवें आपां ने गोल करने ने। ठीक है जी, गोल करना तो आपां ने किवें करना, पास करना तो किवें करना, ये सारिया चीज़ां दी सीगियां कि आपां फुटबॉल सिख खिडाउणी है। ठीक है, सिखाउणी है तो किवें सिखावांगे आपां। सो दैट मीनस यूजेज, वट इज इंग्लिश दे विच वर्ड कड़ा यूज़ किया जाता, यूजेज लैंगुएज नूं एज ए यूजेज फॉरमैट दे विच सिखाउणी है असीं। उह कि असली फॉरमैट दे विच जिहड़ा सीगा किसी लैंगुएज नूं सिखाउणा कि किवें उह वरती जांदी आ, उस फॉर्म दे चले जा के उस चीज़ नूं सिखाउणा, दैट इज़ असीं उहनूं कहिंदे अप्रोच कह सकदे हां असीं फिर। सो एक आपस ओवरलैप जरूर करदे चीज़ां ने, पर थोनों जो चीज़ समझ आ गई मैथड के अप्रोच के चीज़ा सुखालिया होर हो जाएंगे थोड़े वास्ते। है तो असं यही कह सकते हैं, वंस अगेन मैं रेपीटेशन के बेस के उत्ते कह रहा, मैथड के की है कि असी किवें सिखावे, और अप्रोच के कि असी की सिखावे। असी कहें कि मैथड इज़ ए वट ऑफ लैंगुएज एंड अप्रोच इज़ हाउ ऑफ लैंगुएज। सिचुएशनल लैंगुएज टीचिंग, सिचुएशनल लैंगुएज टीचिंग हैगी है केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रेडेशन ऑफ ग्रामर। ठीक है जी, सिचुएशन यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स पिक्चर रेलिया रियलिया एक्शन जेस्चर्स। टारगेट लैंग्वेज इज द
लैंगुएज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये असी इंग्लिश सिखाई तो इंग्लिश के ही असं बोलेंगे, उस लैंगुएज का यूज करा। बिहेवियर लर्निंग थ्योरी अंडरलाइन द मैथड, लैंगुएज लर्निंग इज़ द हैबिट फॉरमेशन। हुण बिहेवियर थ्योरी आपने की, ठीक है जी, जो आप पहला गल कर रहे थे बाइलिंगुअल अप्रोच के आर्मी मैथड बिहेवियर थ्योरी के उत्ते बेस इतने, दैट मीनस कि असी रट्टा लवा रहे थे कि उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। ये इतने असी हैबिट फॉरमेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। तुसी हर रोज़ बोलने की कोशिश करो किसी चीज़ को, हर रोज़ उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी शुरू करो तो थानू उस चीज़ की आदत पै जाएगी, ठीक है जी। उत्थे की कर रहे थे बिहेवियर के असी रट्टा लवा रहे थे बाय रोट, ठीक है जी, ड्रिल बेस्ड मैनुअल प्रैक्टिसिंग, ठीक है। इतने थोड़े को हैगा हूँ इतने ये ड्रिल बेस्ड नहीं हैगा थोड़ा, इतने गाइडेड रेपीटेशन है, इतने की है थोड़ा गाइडेड रेपीटेशन समझा के दसया जा रहा है, और जो रिपीट करने भी कहा जा रहा है तो एक गाइडेड तरीके दे नाल कि तुसी हुण उन्हों प्रॉपर तरीके नाल किसी भी चीज़ को यूज़ कर सको। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द सिचुएशनल लैंगुएज टीचिंग जी असी पहला अप्रोच की है, उसके नाल फर्क हो जाता है। एक्यूरेट यूज़ ऑफ वोकैबुलरी आइटम्स, ठीक है जी, एंड ग्रामर, ये चीज़ आ जाती है, ठीक है जी, और वोकैबुलरी के उत्ते कंट्रोल तो ग्रामर कंट्रोल जो है इस चीज़ के थानू यह समझ आना शुरू हो जाता है। 1966 कोठारी कमीशन बैठा से, कोठारी कमीशन ने 3 लैंगुएज फॉर्मूला प्रपोज किया, दैट इज़ के असी मदर टंग भी पढ़ानी है, ठीक है जी, और उदे नाल असी हिंदी भी पढ़ानी है, ठीक है जी, और उदे नाल नाल जो है असी इंग्लिश नूं भी जो है वह प्रमोट किया कि इंग्लिश भी पढ़ाई जानी चाहिए है। सो 3 लैंगुएज फॉर्मूला जो है इस तरीके नाल ये होंद विच आया। फिर 1967 के प्रोफेसर गोकाक कमेटी बैठी और उन्होंने कहा कि इंग्लिश पढ़ाने वास्ते स्ट्रक्चरल मैथड नूं यूज़ किया जाना चाहिए, स्ट्रक्चरल मैथड जो है उन्हों यूज़ किया जाए, ठीक है जी। और पहले एक तो यह उन्होंने, दूजा उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि असी इंग्लिश नूं 5वीं क्लास तो पढ़ाना शुरू करना है, इनू जो है छोटिया क्लासा तो भी अर्लीयर क्लासेस तो भी प्राइमरी क्लासेस तो भी जो है इंग्लिश नूं पढ़ाना शुरू किया जाना चाहिए है। और तीजी गल कि टैक्सट बुक्स जिहड़ियां सीगियां उसे तरीके नाल तैयार करनियां चाहीदियां ने ताकि छोटी जमात तो ही बच्चे इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दें। सो इस तरीके नाल इंग्लिश की प्रमोशन जी उन्होंने सुजैस की थी, और स्ट्रक्चरल मैथड ऑफ अप्रोच जोड़ा उस चीज़ को इंडिया देश प्रमोट किया गया। और जिम्मे मैं थोड़ा दसिया स्ट्रक्चर की होंगे, डिफरेंट अरेजमेंट और पैटर्न ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, एवरी सेंटेंस नीड्स ए ग्रामेटिकल बैकग्राउंड, हर एक सेंटेंस का एक ग्रामेटिकल बैकग्राउंड है। जिम्मे मैं थोड़ा दसिया सगा राम इज ए बॉय, वो सबजैक्ट पहला आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जैक्ट आ गया, अपना पंजाबी दे विच क्या पहला सबजैक्ट आ जाता, फिर ऑब्जैक्ट आ जाता, फिर वह वर्ब आ जाता। हूँ सो हर एक लैंगुएज के अपना अपना एक स्ट्रक्चर होंगे, वह ग्रामेटिकल बैकग्राउंड होंगी है। सो डिफरेंट अरेजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ना ये दूजी गल होर कि इंपॉर्टेंट आ गई कि वर्ड के हिसाब न ही पढ़ाया जा रहा, सेंटेंसिस के हिसाब न पढ़ाया जा रहा, और एक पैराग्राफ के हिसाब के पढ़ाया जा रहा, ठीक है जी, ताकि जड़ा बच्चा सीख रहा है लैंगुएज नूं प्रॉपर स्ट्रक्चर भी समझ आ जाए, कॉन्टैक्सट भी समझ आ जाए, लैंगुएज की प्रॉपर नॉलेज भी हो जाए। सो इस तरीके असं की कह दें स्ट्रक्चरल लैंगुएज भी कह दें, और स्केलेटन मैथड कह दें, स्ट्रक्चर मैथड कह दें। इट इज़ ए पोलिटिकल अरेजमेंट ऑफ वर्ड्स टू इंडिकेट ग्रामेटिकल मीनिंग ऑलसो, यह वर्ड फ्रेज इस चीज़ को छोड़ दो हाले इतने। हुण हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड एक जो सीगा इहदा की स्ट्रक्चर हैगा, कितने यूज कर सकते हैं आपां, हैव यू सीन द गोल्डन टैंपल, ठीक है जी। टीचर पुछदा बच्चे नूं कि हैव यू सीन द गोल्डन टैंपल, यस मैम आई हैव सीन इट, हाउ ओल्ड इज द गोल्डन टैंपल, ठीक है जी, तो यह कितना पुराना स्ट्रक्चर है यह, कहिंदा टैंपल इज ऑलमोस्ट 500 ईयर्स ओल्ड। स्टूडेंट इस तरीके का जवाब दे सकता है। सो कि हाउ ओल्ड किवें यूज कर सकते हैं, कितने यूज हो सकता है, बच्चे इस चीज़ की समझ आनी शुरू हो जाती है। आप भी कह सकते हैव यू बीन टू द गोल्डन टैंपल, हम देखो हैव यू सीन द गोल्डन टैंपल, हैव यू बीन टू द गोल्डन टैंपल, बेसिकली सीन का मतलब की है तुम देखा है कि तुम गए हो उ ना, ये भी हैव यू बीन टू द गोल्डन टैंपल कि तुम उ गए हो,
बच्चे को समझ आ जाता है कि दोनों चीज़ों के फर्क है तो वह किड़े किड़े फर्क ने वह। सो इस तरीके नाल स्ट्रक्चर बच्चे को समझाया जाता है तो उन्होंने लैंग्वेज की समझ आनी वह शुरू हो जाती है। सो मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच की है टीचिंग ऑफ इंग्लिश बाय हेल्पिंग द स्टूडेंट टू लर्न सर्टन स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल अप्रोच। इट इज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सच ए वे टू फॉर्म ए सूटेबल पैटर्न। एक सूटेबल पैटर्न समझ आना बनना चाहिए ता ही जी सी वह एक स्ट्रक्चरल अप्रोच बनेगी। जे असी सिर्फ उन्होंने ट्रांसलेट करके जो पंजाबी तो अंग्रेजी लिख देंगे तो वह प्रॉपर स्ट्रक्चर वह नहीं बनेगा, वह लैंग्वेज ठीक नहीं होएगी। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इनक्रीज द स्टूडेंट कमांड ओवर पैटर्न ऑफ इंग्लिश एंड एनेबलिंग दैम टू यूज द लैंग्वेज मोर इफेक्टिवली। ना इतने क्वेश्चन बनता है थोड़ा यह कि स्ट्रक्चरल मैथड का मेन इंपॉर्टेंस की है, यदा यूजेज की है। टू इनक्रीज स्टूडेंट कमांड ओवर पैटर्न ऑफ इंग्लिश एंड एनेबलिंग दैम टू यूज द लैंग्वेज, इतने क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ को याद रखियो। इट इज़ ऑलसो नोन एज ओरल ओरल अप्रोच। मैं थोड़ा पहला दसा ओरल कन्ना तो ओरल बोलन तो, ठीक है जी। सो यह मतलब की होया थोड़ा हीयर एंड स्पीक ये उत्ते ज़्यादा जोर है, दैट मीनस कि रीडिंग के उत्ते राइटिंग के उत्ते घट जोर है और यही यदा डीमेरिट भी है और स्ट्रक्चर जोड़े ने वह ध्यान के नाल चुने जाते हैं। सो ये मैथड ये डीमेरिट्स की ने, इट्स सूटेबल फॉर द लोअर क्लासेज। कॉन्टीन्यूअस टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड रेपिटेशन में कई बार ये बच्चे डल बोर हो जाते हैं, वह रीडिंग ते राइटिंग जी वह इग्नोर हो जाए ने। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू गैट स्किल टीचर फॉर दिस परपज। ये वास्ते चंगे टीचर लभने भी औखे हो जाते हैं, इस ये भी डीमेरिट है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द हायर क्लासेज, वड्डिया क्लासा वास्ते मैथड कोई बहुत वधिया मैथड नहीं है, ठीक है जी। इमरशन मैथड, इमरशन की डोबा, ठीक है जी, दैट मीनस अंग्रेजी डबो दो, लर्नर पूरा अंग्रेजी डबो दो, सारा दिन जो वो अंग्रेजी से गल करो, सारे काम जे वो जिन्हें सबजैक्ट ने सारे दे सारे जे अंग्रेजी से पढ़ाए जा टारगेट लैंग्वेज के मेथड कड़ा हो गया है, इमरशन मैथड हो गया। सो यू फिर लैंगुएज बाथ कह दें, अं कहें लैंगुएज बाथ भी कह दें। टीचर यू रियालिया विजुअल एड्स एंड डेमोस्ट्रेशन, रियालिया दैट रियल टाइम सिचुएशन, हर एक काम करना, बोलना लिखना जो भी करना तो सारा वह टारगेट लैंग्वेज होना चाहिए वह। सो ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, इंडक्टिवली की यूजेज समझ आ गया थानू, बाद में थानू रूल भी समझ आने शुरू हो जाएंगे। वह कम्युनिकेटिव लैंगुएज टीचिंग, नाउ दिस इज ऑलसो ए वेरी इंपॉर्टेंट मैथड, जैसे अभी कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट मैथड है टीचिंग का। यह मेन फंक्शन असी की करने, जुबान का भाषा का मेन फंक्शन की है कि कुछ कहा जाए और वह इस तरीके नाल कहा जाए या बोलिया जाए कि दूजे बंदे नूं समझ आ जाए वह। सो दैट इज़ द मेन परपज ऑफ असी कम्यूनीकेशन का कहने। सो दैट मीनस लैंगुएज हैगी है, ये तो एक मोड है किस चीज़ का, भाषा इनू साड़ी किसी चीज़ को कहने का एक मोड है। सो दैट मीनस लैंगुएज का काम की है कि मैं अपनी गल किसी दूजे बंदे नूं चंगे तरीके नाल समझा दें, और यह जिहड़ी चीज़ हैगी है सारे मैथड दे विच वो चीज़ कितें इग्नोर हो रही सी और इस मैथड दे विच इस चीज़ नूं यूज़ किया जा रहा है। सो बेसिकली असीं देखते हैं कि जिहड़ा स्ट्रक्चरल मैथड हैगा उस चीज़ दे विच इस चीज़ नूं कम्युनिकेटिव लैंगुएज टीचिंग नूं जिहड़ा सीगा वह यूज़ किया जा रहा है, ठीक है जी। स्ट्रक्चरल अप्रोच दे विच टीचर की करता उहदे विच उह ड्रिल कराउंदा तुहानूं उह, एंड लैंगुएज इज लर्न बाय जी सी वह बाय यूजिंग द लैंगुएज, उस चीज़ में वह समझाने की कोशिश करना है। कम्युनिकेटिव अप्रोच के इट्स ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है जी। ना यदा वो फर्क की है, स्ट्रक्चरल अप्रोच के टीचर ओरिएंटेड है, ये की है टीचर ओरिएंटेड है, और कम्युनिकेटिव लैंगुएज के लर्नर ओरिएंटेड है। यह एक लर्नर ओरिएंटेड अप्रोच है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। यह बच्चे को की सिखाया जाता है, रूल्स ऑफ यूज एंड रूल्स ऑफ यूजेज, ठीक है जी, कि इनू यूज करने का की रूल है, ठीक है जी, और कितने कितने जैसे यूज किया जा सकता है। सो दैट मीनस दो चीज़ें होनी चाहिए ने, कि ग्रामैटिकली करैक्ट होना चाहिए, ठीक है जी, दैट मीनस के अखर कि वर्त अखर कितने वरत्या जाना चाहिए,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਰੂਲ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੈਮੈਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਮੈਟੀਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਰੂਲਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਰੂਲਸ ਆਫ ਯੂਜੇਜ, ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਆਫ ਯੂਜੇਜ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੀਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਕੰਪੀਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੂਲਸ ਆਫ ਯੂਜ਼, ਰੂਲਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਵੱਟ ਟੂ ਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਟ ਟੂ ਸੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹਾਊ ਟੂ ਸੇ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਪਰੋਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਵੇ ਇਹ। ਫਿਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਸਕ ਡਾਇਰੈਕਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਸਕ ਡਾਇਰੈਕਟਡ। ਟਾਸਕ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂ ਮੇਕ ਏ ਫੋਨ ਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ ਔਨ ਦਾ ਫੋਨ। ਸੋ ਟਾਸਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਆਊਟ ਐਂਡ ਗੈਟ ਮੀ ਅ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਸਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਨੀਅਰ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਸਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਸ ਮੀ ਦਿਸ ਬੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਸਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਨ ਯੂ ਰਾਈਟ ਟੈਲ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਸੈਲਫ, ਯਾ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਔਰ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਯੋਰ ਨੇਮ। ਸੋ ਟਾਸਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਟਾਸਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਟਾਸਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਲ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਲਸਮ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਇਟ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਹਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਫੇਸਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਥਰੂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥੈਂਟਿਕ ਟੈਕਸਟ ਇਨ ਟੂ ਦ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫਾਰ ਲਰਨਰ ਟੂ ਫੋਕਸ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਆਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਟ ਔਨ ਦ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਟਸੈਲਫ। ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਟਾਸਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਰਸ ਓਨ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ,
लर्नर का अपना जो एक्सपीरियंस है वह भी ये इंप्रूव होंगे। सो इस करके जो जी साड़ी कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्स वर्ड्स एंड वर्ड चंक्स एज बेसिस फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है जी। सो ये साडा जवाब की बन जाता है, लैक्सीकल अप्रोच इज़ द आंसर, क्योंकि लैक्सीकल अप्रोच की है थोड़ी ये, इट्स ए मैथड ऑफ टीचिंग फॉरन लैंग्वेज डिस्क्राइब बाय माइकल लुइस इन 1990s। स्टूडेंट्स आर टॉट टू बी एबल टू परसीव पैटर्न ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज द मीनिंगफुल सेट यूजेज ऑफ वर्ड्स एट द डिस्पोजल वैन दे आर टॉट इन दिस पर्टिकुलर वे। सो यह लैक्सीकल अप्रोच इस चीज़ में कह देंगे, एक नवा तरीका है, थानू यह भी पता होना चाहिए सर, इस करके इतने ऐड कर दिता गया। सो दीज आर डिफरेंट मैथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। दोबारा जी मैं थोड़ा यही गल करनी सी कि मैथड तो अप्रोच इन दोनों के थानू जो फर्क समझ आ गया तो थानू जो पैडागॉजी भी समझ आ जाएगी और असी कि मैथड किए ने उन्होंने आप एक बार फटाफट रिपीट कर देंगे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, डायरैक्ट मैथड, बाइलिंगुअल मैथड, ऑडियोलिंगुअल मैथड, आर्मी मैथड, डॉक्टर वेस्ट मैथड, साइलेंट वे रह गया साडा है, साइलेंट वे रह गया। साइलेंट वे की होंगे कि बच्चे नूं पढ़न वास्ते कोई चीज़ दे दी जाती है एंड दैन ही इज़ आस्क के थोड़े कोई जो सवाल जवाब है वो तुसी पुछ लो और बच्चे नूं अपने आप दे विच जिहड़ा सीगा ग्रो करन दिता जाता है वो साइलेंट मैथड कह दिता जाता है। बहुता इंपॉर्टेंट नहीं है और ज़्यादा यूज़ भी नहीं होंदा। यह तो साढ़े हो गए मैथड हो गए और यह साड़ियाँ अप्रोचा हो गई हैं और मैथड दे विच मैं तुहानूं की दस्सिया सीगा यह किवें असी लैंग्वेज पढ़ानी है और अप्रोच दे विच की है कि उहदे विच असी की पढ़ाउणा है और आपां ने एग्जाम्पल दे बेसिस दे उत्ते कीता सीगा कि फुटबॉल कि आपां जे फुटबॉल सिखाउणी है तां खेलना सिखाना है तो वह किस तरीके सिखाया जाएगा कि वो कि मैथड यूज़ होने किमें मैथड में यूज़ किया जाएगा की सिखाया जाएगा। सो इस तरीके असी इन चीज़ों अप्रोचेज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद है कि आह वाली चीज़ें थोड़ा समझ आई हो और जो समझ आई और एग्जाम के तुम हूँ ये बेसिस उत्ते क्वेश्चन कर पाओगे। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट।